24 को 3 से डिवाइड करना है, कितना शेष होगा? नहीं पता। 2 का क्यूब क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर नहीं पता। इंग्लिश क्या होगा? 3 का इंग्लिश TH EE बता रहे हैं बच्चे अभी जो है इन लोगों को सही पता नहीं है। देख पा रहे हैं कि जो टूटा हुआ जो भी भाग है, बीम का जो भी पार्टीशन है पूरा टूट का एकदम खड़ गया है। ये जो है बीम, ये टूटा है, ये कभी भी जो है नीचे लटक सकता है। एक खतरे का निशानी बना हुआ इस विद्यालय में देखने को मिला। बी न्यूज़ इंडिया, हर पल की खबर। इस वक्त जो है प्राथमिक विद्यालय शेरपुर टोटारी जो है 12 चौवा क्षेत्र अंतर्गत उपस्थित है और इस वक्त जो है 11:49 हो रहा है और देखते हैं कि इस विद्यालय में जो है प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और बच्चे जो है क्लास में हैं या फिर कैसे, मतलब कि अंदर जो है जाने पर पता चलेगा कि आखिर बच्चे क्या करते नज़र आ रहे हैं और शिक्षक जो है बच्चों पर विशेषता कितना नज़र रखे हैं। तो चलिए अंदर तक चलते हैं और देखते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय के अंदर जो है पढ़ाई किस तरह से हो रही है। और ये है प्राथमिक विद्यालय शेरपुर ठुटारी का जो है एक विद्यालय है जहाँ पर बच्चे जो है बाहर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों यहाँ बैठे हो? यहाँ क्यों बैठे हो? लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हो? 1-2 कौन सर दिए हैं? कौन सर? मैडम दिए। क्या नाम है? अभिषेक राजा। किस क्लास में पढ़ते हो? 3। 3 में? अच्छा, 3 का टेबल याद है? टेबल। अच्छा, 3 का इंग्लिश क्या होगा? 3 का इंग्लिश TH EE बता रहे हैं बच्चे अभी जो है इन लोगों को सही पता नहीं है। और आइए देखते हैं कि ये जो है प्राथमिक विद्यालय जो है ये शेरपुर ठुटारी का किस तरह से, और क्लास में देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे जो है कभी खड़े हैं, कोई टीचर नहीं है क्या? बच्चे क्या नाम है? इधर आओ, क्या नाम है? सतीश यादव। कोई इसमें टीचर नहीं है? हाँ। किस क्लास में हो? 3 में। 3 का स्पेलिंग बताओ। नहीं पता है? नहीं। ये बच्चे हैं, इन लोगों को 3 का पता नहीं है, 3 में पढ़ रहे हैं, इन लोगों को स्पेलिंग नहीं पता है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है? क्लास में आशीष राजवर। आशीष राजवर। 2 का इंग्लिश बताओ। नहीं पता है। ये है सरकारी विद्यालयों की एक घोर लापरवाही जो है बच्चों को अभी तक 2-3 का स्पेलिंग पता नहीं है। और देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं इस क्लास में, अच्छा चलिए, आप इसमें हैं? आप हैं? कौन सा क्लास है? 1 का क्लास है। अच्छा आप हैं, तो कितने संख्या है 1 में? नहीं पता है? देखिए हम लोग आंगनबाड़ी। अच्छा आंगनबाड़ी से हैं, अच्छा अच्छी बात है। बच्चे क्यों सो गए हैं? हम तो रोने लगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम लीलावती। अच्छा, तो 2 लोग आप इस क्लास को संभालती हैं। जी। तो ये बच्चे जो है क्या इन लोगों को पढ़ा रहे हैं इस समय? इस समय में तो इस समय उन लोगों को मंत्र को ज्ञान दे रहे हैं, अक्षर को ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा। और रंग को भी पहचान कराते हैं। तो ये सभी लोग मंत्र जान चुके हैं? कुछ तो जानते हैं। अच्छा। कुछ अभी बच्चों को समझा रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं बच्चे। बच्चे बता देंगे। अच्छा बता देंगे। हाँ। खड़े हो जाओ बच्चा, खड़े जाओ, बताओ खड़े जाओ। क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? कविता। कविता पड़ेगा। और मैम जो पढ़ा रही है समझ में आता है? जो भी पढ़ाती है मतलब समझ लेते हो? तो ए से जेड तक बताओ, ए फॉर एप्पल या ए बी सी डी बताओ। नहीं आते? एबीसीडी नहीं आते? डरो मत, हम तुम लोग की घर ही के। बोलो, बोलते हैं, बोलो ए तुम बताओ कैसे पढ़ते हो? इसी में एबीसीडी याद है? सुनाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम आई एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा अच्छी बात है, तुम्हें पता नहीं है, तुम रेगुलर नहीं आती हो क्या? डरती है? नहीं डरना नहीं है, हम तुम्हारे ही घर के हैं, डर क्यों रहे हो? बोलो अच्छे बताओ। ए बी सी डी टेबल में याद है? पढ़ा कितने तक? कितने तक? 6 तक। 6 का सुनाओ।
छक्का छः छः दुनी बारह छत्तीस अठारह छः चौके चौबीस छः पैंतीस छः छः छत्तीस बयालीस छः अड़तालीस छः नौ चौवन था हमेशा। क्या नाम पड़ेगा? गोलू। गोलू किस क्लास में हो? एक। एक एक का स्पेलिंग बताओ, इसको वन कहते हैं इंग्लिश में, वन का स्पेलिंग बताओ। इंग्लिश में ये लोग कमजोर है और इंग्लिश पर थोड़ा आप लोग फोकस कीजिए। ध्यान देते हैं लेकिन बच्चों को जानती हैं सर कि क्या होते हैं कि कुछ पढ़ाने पर कुछ बच्चे इधर उधर करने लगते हैं, घर पर जाते हैं। अच्छा। हम लोग घर पर तो जाकर नहीं नहीं निगरानी कर पाते, लेकिन घर वालों की जिम्मेदारी बनती है। बोलते हैं हम लोग जाते हैं गृह और उन लोगों को विशेषता कि जितने टीचर जो है घर पे ये स्कूल में ध्यान देते हैं उतना जो है अध्यापक अगर जो घर के हैं वो लोग ध्यान दें अध्यापक की तरह तो बच्चे कभी ना कभी जो है अच्छे पढ़ाई में इनको मन लगेगा, क्योंकि घर पे घूमेंगे तो जो पढ़ेंगे स्कूल में भूल जाएंगे। हम लोग जाते हैं, उन लोग को माँ बाप से भी बताते हैं बच्चों को सुबह नहवाइए, खाना वाना खिला कर भेजिए स्कूल, आपको साफ आना चाहिए। फिर हम लोग काम देते हैं घर पर के लिए। अच्छा। कि कुछ ना कुछ लिख कर लेकर आइए, डरिए मत। कोई होमवर्क करके आया है घर से? होमवर्क करके आए हो? क्या नाम है? रानी। रानी होमवर्क कुछ की हो घर से? नहीं की हो, क्यों? अच्छा वन टू याद है? अच्छा ये नहीं गया। तुम्हें वन टू याद है? इन लोगों को ऐसा है कि बेसिकली जो है वन टू ए फॉर एप्पल या एप्पल जो भी है ये सभी का ज्ञान करा दीजिए आप लोग, है ना, क्योंकि बच्चे हैं इसके बाद अगले जो है क्लास में जाएंगे, लेकिन यहाँ से पूरा इन लोगों को ज्ञान हो जाएगा तभी जाएंगे। तो इन लोगों को घर का गैदर पे करेंगे ऐसी ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये हम और आपके घर के बच्चे हैं। जिस तरह से अपने बच्चों को ध्यान देना है उस तरह से ये भी बच्चे हैं, एक गरीब के बच्चे हैं, इनको विशेषता ध्यान दिया जाए। ठीक है, ये सब जो गरीब अमीर की बात यहाँ पर नहीं है, या समान वर्ग के लोग हैं वो सारे बच्चे हमारे, पूरा विद्यालय के जो बच्चे हैं सब लोग हमारे बच्चे हैं। इनको ड्रेस नहीं मिला है क्या? ये लोग ऐसे कपड़े में है, इन लोग को ड्रेस में नहीं लगता नहीं। चलिए तो जो भी है मतलब वेल मेंटेन में रहे, थोड़ा सा स्कूल है इसमें शिक्षा के लिए आते हैं। देखिए हम लोग बताते हैं सुबह आते हैं लोग तो टिकट से आते हैं यहाँ पर जानते हैं, फिर लिखते पढ़ते घूमते कुछ तो है इसमें। चलिए अच्छा लगा, चलिए और क्लासों में देखेंगे कि आखिरकार जो है अभी बता रहे और भी क्लासों में देखेंगे कि जो है बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। अभी तो इसमें कोई अध्यापक नहीं है, इस क्लास में देखते हैं शायद कोई अध्यापक हो। और ये जो है कौन सा ये क्लास है? ये जो क्लास है, खड़े हो जाओ स्टैंड अप। कौन सा क्लास है? फाइव का इंग्लिश बताओ या फाइव। व्हाट्स नेम? माय नेम दीपिका कुमारी। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इस समय? हिंदी। हिंदी में कोई पोएम याद है तो सुनाओ। नहीं नहीं याद है? हिंदी पढ़ते हो, हिंदी में पोएम नहीं याद है? तुम्हारा नाम क्या है? बक्ता राजवर। अच्छा हिंदी में कोई पोएम याद है? अच्छा इधर से किसी को, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? मंटू राजवर। मंटू राजवर क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। इसका बटन सही कराओ, इस तरह से नहीं रखना है। ठीक है हिंदी में कोई पोएम सुनाओ, हिंदी का स्पेलिंग बताओ, इंग्लिश में क्या होता है हिंदी का? जी डबल जी हिंदी का स्पेलिंग और हिंदी का पोयम सही से याद करके, है ना? ठीक है पोयम एक भी लाइन का याद नहीं है। इंग्लिश का? साइंस पढ़ते हो? विज्ञान पढ़ते हो? इधर से कौन सुनाएगा? चलो खड़े हो जाओ। इंग्लिश पढ़ाया जाता है? क्या नाम है? अच्छा तो इंग्लिश में क्या पढ़े हो? कोई पोएम सुनाओ। नहीं याद है? ये क्या है कि इससे सरकारी विद्यालय में इंग्लिश की जानकारी ही नहीं। चलिए हिंदी में कोई पोएम सुनाओ, किसी को नहीं पता है। अच्छा बताओ मैथ पढ़ाया जाता है? ये बताओ कि 4 और 12 कितना होगा? 4 12 16 सोलह। 16 और 18 कितना होगा? 34 34 में 35 से माइनस करो कितना होगा? 34 में 35 माइनस एक। एक एक कहाँ से होगा? 34 में 35 निकालना है, घटाना है। अभी सब्सक्रिप्शन में है और इस तरह से अभी पूरा नॉलेज नहीं है। चलिए ठीक है ये बताओ कि
और 24 को 3 से डिवाइड करना है, कितना शेष होगा? नहीं पता। 2 का क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर नहीं पता। मैथ में भी बहुत कमज़ोर, इंग्लिश में 0 बटा सन्नाटा, ये देखे बच्चे। और ये फैन तो लग चुका है, फैन चल रहा है, सिट डाउन। ये बच्चे जो है आज के समय में, अभी कोई अध्यापक इसमें नहीं आया, किस अध्यापक का इसमें घंटी है? आशीष सर का। कहाँ है? अभी बाहर है। बाहर क्या कर रहे हैं? अभी आएंगे, बोल रहे हैं कि अभी आए, अभी आएंगे, अभी आए नहीं है। चलिए, ये है सरकारी विद्यालय की स्थिति, जो है बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और क्या वजह है, शायद आप इसमें हैं? हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे स्थिति में देखा जाए तो ये सरकारी विद्यालय में बच्चे जो है, आप इसमें टीचर हैं? जी जी। क्या नाम है? आशीष कुमार नाम है। अच्छा, ये बताइए कि आपका हिंदी का उसमें टर्न है? हिंदी का टर्न सुबह का था। अच्छा, क्या पढ़ा रहे थे? हिंदी में बच्चों को प्रश्न उत्तर लिखवाए हैं और इंग्लिश के मीनिंग थोड़ा लिखवाए हैं। अच्छा, और बताए हैं बच्चों का अभी उतना, जैसे छुट्टियाँ गर्मियों में छुट्टियों की लॉकडाउन की वजह से बच्चे जो उच्च क्लास के हैं वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं। अच्छा, तो हम लोग फिर क्या कर रहे हैं कि निचले स्तर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि ऊपर से बताएंगे हम लोग। पोएम आपको याद नहीं कराते हैं क्या? पोएम कोई नहीं सुनाया है? पोएम बच्चों को याद करवाए हैं, क्यों नहीं? चलिए चलिए, बच्चों पोएम नहीं याद है क्या हिंदी का? किसी को याद है? एनी स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, पोएम पहले पढ़ लो। विमल हिंदु की विशाल सुनने प्रकाश तेरी बता रही, नदी तेरी अंत माया जगत के लिए दिखा रही है। पूछने पर क्यों नहीं बताया? अभी पूछे, कोई नहीं बताया, उधर से बताओ। चलो तुम बताओ, कौन बताएगा? चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सुनाओ पोएम। इंग्लिश में सुना? इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता क्या? पढ़ाया जाता है, लेकिन इंग्लिश में कोई नहीं बताया है। इंग्लिश में ये लोग बिल्कुल जीरो है, इंग्लिश में कुछ भी पूछने पे ये लोग नहीं बता रहे हैं। वही सर बता रहे हैं, जैसे कि सारे बच्चे जो है ना कि स्तर से भूल चुके हैं। अच्छा, अब ये सब की जैसे कि नाम उच्च क्लास में हो गया है, जैसे कक्षा 5 पढ़ रहे हैं सर, तो ये चीज़ें के ऊपर किताबें भी बताएंगे तो इन लोग सर उतना समझ नहीं आएगा। अच्छा, निचले स्तर से उन लोगों को बताएंगे, लिखवाएंगे, समझाएंगे, तब उसके बाद आगे। कब से आप इसमें पढ़ा रहे हैं? कब से? कब से हम तो जब से, मतलब कितना दिन हुआ, कितना दिन? अरे 15 कौन से जून, 16 जून से विद्यालय खुला हुआ है। अच्छा, हमारे तरफ से आपको ये एक सजेशन है कि सर इन बच्चों को बेसिकली जो भी है उस जगह से बताइए कि इन लोगों को जो है बिल्कुल अच्छे ज्ञान को अर्जित करते हुए जाए, क्योंकि किसी को इंग्लिश नहीं पता, किसी को हिंदी नहीं पता, तो एक ही सब्जेक्ट को ध्यान ना दिया जाए, जो सब्जेक्ट है इंग्लिश में भी जाए, हर एक बच्चों की कमजोरी को दूर करना है। क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे से पूछा गया, इंग्लिश में 0 बटा सन्नाटा इन लोगों का दिखने को मिला, लेकिन इंग्लिश का इस समय मॉडर्न में बहुत युग है और इंग्लिश का हर जगह डिमांड है। नहीं तो इन लोगों को उस तरह से करना है ना कि ये बच्चे जो है बिल्कुल एक्टिव हो, क्योंकि इस देश का, इस क्षेत्र का जो है नाम रोशन करे। सर आपका नाम? विनोद कुमार सिंह, शिक्षा मित्र। अच्छा सर, और ये बच्चे सर इंग्लिश में कुछ नहीं जान रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं चलता है क्या? अभी इन लोगों हटाया जा रहा है। अच्छा। और जो प्रेरणा लक्ष्य है उसके आधार से इन लोगों को समझाया। सर बाकी टीचरों को ये आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि बच्चे जो है इंग्लिश में थोड़ा सा जाने, क्योंकि इंग्लिश में कोई कैंडी लेने जाए, कुछ भी वस्तु खरीदे तो इंग्लिश में उस पर नाम लिखा रहता है, सर कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक भैया, हम लोग बच्चों को अलग अलग एक ग्रुपिंग जी कर करके और अलग अलग उनको बताया जा रहा है, जैसे कमजोर बच्चे हैं उनको अलग रख रहे हैं, जो तेज बच्चे हैं उनको थोड़ा अलग करके बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य है, इन्हीं से हम लोग के पूरे क्षेत्र का विकास होगा और ये लोग की मजबूती रहेगी सर तो आगे जो है इस गांव का, इस क्षेत्र का विकास होगा। हाँ, तो हाँ, बेहतर जो है इंग्लिश का पर भी फोकस किया जाए, कोई इंग्लिश में कुछ पूछने पर नहीं बताए हैं। हम अपने तरफ से प्रयास जी कर रहे हैं सर, लेकिन गार्जियन भी हमारे यहाँ ऐसा है कि रोज उनको फोन करने पर जी बच्चे एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। रेगुलर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रेगुलर आने वाला ना हो? कोई ऐसा है कि मतलब कि एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, कोई है? रेगुलर आने वाले बहुत कम बच्चे हैं, जिससे रेगुलर आने वाले क्या है? अच्छा, ये है चारों हैं। आज की बात, कोई स्टूडेंट घर पे नहीं रहेगा, जो भी स्कूल जैसा खुलेगा, हॉलीडे जैसे होगा, उतना ही दिन घर पे रहना है, कोई घर पे नहीं रहेगा। नहीं रहोगे ना? एक साथ बोलिए, स्कूल आना है। ठीक है, स्कूल आने पर आप लोग क्या करते हैं? टीचर लोग के साथ जो है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बोलते हैं कि नहीं बताइए? बोलते हैं। जिस तरह से स्कूल में आने के बाद
अध्यापकों का जो है सम्मान करना है उसी तरह घर पे भी करना है ना, क्योंकि शिष्टाचार ही हमारे देश को महान बनाएगा और लिखा गया है कि शिष्टाचार ही देश को महान बनाता है। अगर ये चीज अगर सबके अंदर अगर उपलब्धि अगर प्राप्त है तो हर एक जगह पे एक सम्मान मिलता रहेगा। क्यों सर? हाँ, क्योंकि सर यहाँ पे आकर आप लोग को नमस्कार गुड मॉर्निंग इस तरह से बच्चे अगर बोलते हैं, अगर कहीं अपने माता पिता को उस तरह से सम्मान करें तो उनको लगेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने का उस तरह से हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। प्रेयर में भी हम लोग इनको एक्टिविटी करवाते हैं रोज, नई नई चीज हम लोग इनको बताते हैं, लेकिन जो बच्चा रेगुलर प्रेयर में आ पाता है वही जी कुछ जानता है, और कुछ लोग बच्चे जैसे प्रेयर के बाद आते हैं कुछ पहले आते हैं, तो इसका भी थोड़ा हमारे यहाँ कमी है जी। तो और सर ये प्रेयर में कुछ योगा या कुछ एक्सरसाइज कराया जाता है कि नहीं कराया जाता? हाँ हम रोज मतलब पीटी होती है जी, और योगा भी हम लोग बताते हैं। अच्छा, योगा और पीटी कराया जाता है? बताओ खड़े हो जाओ। योगा मतलब कि सुबह में और एक्सरसाइज आप लोग करते हैं ना? चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये बच्चे जो है एक्सरसाइज और योगा सुबह में कर लेते हैं तो थोड़ा सा इनको जो है अच्छा बॉडी का मेंटेनेंस बना रहेगा। और सर इसमें टॉयलेट जो इस विद्यालय में बना है हाँ, वो चलता है? हाँ, टॉयलेट एक स्टार्ट है और रोज प्रधान जी से हम लोग बोलते हैं। अच्छा, कल के थ्रू तो वो बोलते हैं कि अभी हमको पैसा ही नहीं मिला है, तो इसके वजह से एक कैसे भी स्टार्ट हुआ है और हम बंद करके सब कुछ रेडी है, लेकिन उसको स्टार्ट करना है, चालू करना है। और कोई समस्या है सर इस विद्यालय में? हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, बाकी रूमों में ये फैन इसी तरह चल रहा है? हाँ हाँ, चलिए अच्छा है। जर्जर भवन है जो कि कौन है जो कि टूटे हुए हैं? हमारे यहाँ भवन जर्जर है। कहाँ सर दिखाइए? ये विद्यालय है और ये विद्यालय के जो है अंदर जो है अध्यापक और जो है विद्यार्थी रहते हैं, अगर भवन जो है जर्जर अगर पड़ा रहे तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर गिरने की संभावना बनी रहेगी। और ये देखिए पूरा जो है सरिया दिख रहा है, ये भवन इस तरह हालत में है कि ये कब यहाँ से जो है सरिया से कोई ईंट और जो है बिखर जाए और इसमें कोई अध्यापक और कोई जो है स्टूडेंट्स अगर इसमें सम्मिलित होता है अगर उससे चोट लग जाए तो जिम्मेदार जो है लोग यही प्रिंसिपल और यहाँ के अध्यापकों को ही ठहराएंगे। लेकिन ये भवन जो है जर्जर जो पड़ा है इसकी स्थिति कहीं जो है ये लोग विशेषता नजर नहीं रख रहे हैं, और यहाँ पे विशेषता नजर रखना होगा क्योंकि इसमें मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक छोटे कास्ट के हैं, अगर उनको ज्यादा चोटी लगर हो जाते हैं तो दवा के लिए दर्द भटकेंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इस तरह की ये स्थिति हालात पड़ी है। ये विद्यालय है जो सरकारी, लेकिन इसकी स्थिति जो है इस दरवाजा आप देख पा रहे हैं कि दरवाजा भी टूटा है, इसकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं। ये जो है ऊपर का देख पा रहे हैं कि जो टूटा हुआ जो भी भाग है, बीम का जो भी पार्टीशन है पूरा टूट कर एकदम फट गया है। ये जो है बीम ये टूटा है, ये कभी भी जो है नीचे लटक सकता है, एक खतरे का निशानी बना हुआ इस विद्यालय में देखने को मिला है। और ये जो है खतरे की निशानी जो बना है इस पर जल्द से जो है हमारे जो भी दर्शक जो भी अधिकारीगण ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ के क्षेत्रों के अधिकारियों से अपील मैं करूँगा कि इस विद्यालय पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसकी जो है जो समस्या है। अच्छा, ये दोनों बालक मूत्रालय और बालक शौचालय ये दोनों और बंद कर सीट नहीं हम बैठाए। अच्छा, दिव्यांग शौचालय में? हाँ, उसमें सीट नहीं बैठा है। ये है पूरे शौचालय तो बन चुका है, लेकिन बनने के बाद शौचालय जो है चालू ही ना हो तो फिर बनने का मकसद ही क्या, बच्चे शौचालय अगर इस्तेमाल ना करें तो फिर बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, तो इस वजह से शौचालय तो बनने को दिख रहा है लेकिन इसका जो है स्टार्टिंग अगर ना हो तो फिर इसका बनने का कोई फायदा नहीं है। ये है दिव्यांग शौचालय जी, स्टाफ लोग को भी समस्या होता है। अच्छा हाँ, क्योंकि स्टाफ लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि महिलाएं भी हैं और पुरुष भी लोग हैं। अच्छा, तो जैसे कि कितने महिलाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे हैं दो आंगनबाड़ी, दो शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, और एक शिक्षा मित्र हैं और दो सहायक अध्यापक हैं। अच्छा, तो इसमें कोई दिव्यांग बच्चे इसमें हैं क्या? दिव्यांग बच्चे नहीं हैं। अच्छा, लेकिन कौन से दिव्यांग बच्चों के लिए आदेश आया है बनवाने के लिए, तो हर विद्यालय में, हर विद्यालय में, हर विद्यालय में बच्चे जो है किसी गांव के दिव्यांग बच्चे होंगे तो नियरेस्ट सरकारी विद्यालय में ही जाएंगे, तो इसलिए शौचालय होना जरूरी है। जी जी, सबसे बड़ी समस्या है हम लोग के लिए कि हम लोग को बाहर जाना पड़ता है आउट में। अच्छा, इसमें क्योंकि महिलाओं को भी और दिक्कत है, हम लोग तो खैर पुरुष हैं। हाँ हाँ, ये तो है, लेकिन जो शौचालय बन गया है लेकिन ये चालू नहीं होगा तो बनने का कोई फायदा नहीं। हम लोग कई बार प्रधान जी से बोले हैं लेकिन प्रधान जी बोलते हैं कि जब वो पैसे आएगा तो बनेगा, जहाँ तक जितना बजट नहीं है, जब बजट रहेगा तो बनेगा। लेकिन लगभग में नियर अबाउट कुछ बताया है कि एक महीने दो महीने के अंदर सुधार हो जाएगा, ये कुछ जानकारियाँ मिली है? ये बहुत दिन से हो रहा है, हम लोग ये नहीं लगता है कि अप्रैल से ही, हम लोग मार्च अप्रैल से ही बोल रहे हैं। अच्छा, जो नए प्रधान हुए हैं इस प्रधानी में विद्यालय पर कोई काम हुआ है कि नहीं? काम कराए हैं। अच्छा, मतलब नए वाले में ये हुआ, इंटरलॉकिंग हुआ है?
इंटरलॉकिंग थोड़ा सा जैसे टाइल्स अच्छा और मतलब ये शौचालय शौचालय चलिए ये चाबी नहीं लग रहा है सर चाबी है ये विद्यालय में देखने को मिला है कि जो बच्चे हैं वो काफी जो है इस विद्यालय के इस शौचालय के लिए पर्याप्त जो है समय पे आने को अगर वो कोशिश करें शौचालय का इस्तेमाल करें तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि शौचालय बन तो गया है लेकिन उसका जो है शुरुआती उसमें कुछ कमियां रह गई है जो अभी सुचारू रूप से चालू नहीं है और शायद ये शौचालय जो है दो चार यानी कि एक बालक बालिका जो है शौचालय है और ये दिव्यांग बच्चों के लिए हर बच्चों के लिए अलग अलग है क्योंकि दिव्यांग बच्चे जो है अपने शौचालय रूम में जाएंगे और शौच करने के लिए और बात यह होती है कि अगर शौचालय अगर सही से ना रहे तो फिर महिलाएं कहां जाएगी यहां पे तमाम जो है अध्यापकों को भी समस्या पड़ेगी कि वो भी बाहर जाएँ तो जाएँ कैसे तो सर ये नहीं खुल रहा है चलिए ठीक है और फिर दोबारा एक बार कहिएगा प्रधान जी से अगर नहीं होगा तो फिर सूचना दीजिएगा आज ही हम लोग इसके बारे में हाँ। बात कर रहे थे कि नहीं प्रधान अच्छा। जी से हम लोग फिर फोन करेंगे जैसे बच्चों की छुट्टी होती है हम लोग जैसे एक घंटे हम लोग रहते हैं विद्यालय में आदेश है कि मतलब कि सुबह 7 बजे से अध्यापक रहेंगे 1:30 बजे तक रहेंगे जी। तो 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है अच्छा 12:30 बजे घर के लिए हाँ और 1:30 बजे तक टीचर भी लोग रुके रहते हैं कितने बजे होता है लंच 10 बजे होता है 10:30 10:15 बजे जैसे कितने मिनट का होता है आधे घंटे का होता है तो उसमें हम लोग जैसे छुट्टी होता है तो हम लोग प्रधान जी को बुलाते हैं और उनको बुलाकर हम लोग फिर एक बार अवगत कराते हैं जी बिल्कुल क्योंकि अपना भी प्रयास जारी होना चाहिए क्योंकि एक बार कहने से शायद प्रधान जी ना सुने तो फिर एक दो बार कहिए उसके बाद नहीं करेंगे तो फिर सीधे हम लोग किसी अपने जो अधिकारी हैं उनको हम लोग अवगत कराएंगे बिल्कुल बिल्कुल कि नहीं हम लोग समस्या आ जा रहा एक लेटर टाइप करके सर आप जो है नियरेस्ट ब्लॉक में आप जमा कर दीजिएगा उसके बाद आपका पहले प्रधान जी गाँव के प्रधान है पहले उनका सम्मान करना जरूरी है उसके बाद अगर नहीं सुनते तब उनके साथ मैं हम लोग आगे के लिए सोचेंगे अच्छा सर इसमें कितने कक्षाएं चल रहा है कक्षा आठ तो ये रहा कौन से क्लास था फाइव का इसके बाद 6-7 कहाँ है 6-7 नहीं है नर्सरी है UKG है LKG है अच्छा और पाँच है आठ हो गए ना अच्छा इस तरह से हो गए चलिए अच्छी बात है और उस तरह की और कोई समस्या नहीं है चलिए अभी हम चाहेंगे कि इस विद्यालय में जो अभी अधूरा जो कार्य है उसे जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाए और इसी बातों के साथ वी न्यूज़ इंडिया के साथ विमलेश कुमार मुकादिता दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नमस्कार।